है कि अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में एक ऋषि थे याति, याति ऋषि के दो पुत्र थे पुरु और यदु, और पुरु और यदु से, पुरु से हम हैं यानी रघुवंशी या राजपूत लोग, और यदु से हैं यादव लोग। तो जब दोनों एक ही ऋषि के बेटे हैं, एक ही समाज के लोग हैं, तो फिर इनमें अलगाव कैसे हो गया? और उसको ये भी नहीं पता है कि श्रीकृष्ण से जो दुनिया के सबसे बड़े टीचर है, महाभारत को किसने लीड किया था? श्रीकृष्ण ने, वो यदुवंशी थे, तो कहां किसी क्षत्रिय को आपत्ति है? और जिस रेंजला लड़ाई की आप बात करते हैं ना, जिसका ज्ञान तुमको नहीं है, उस रेंजला लड़ाई को लीड करने वाला जो एक राजपूत ही था जिसका नाम था शैतान सिंह बाटी, और बाकी जो उसमें लड़ने वाले सैनिक थे वो सारे अहिरवाल के थे, इसी वजह से उसको अहिरधाम भी कहा जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जो महाभारत लड़ी गई उसको लीड करने वाला एक यादव था और लड़ने वाले लोग राजपूत, और इस कलयुग की सबसे बड़ी लड़ाई जो जिसकी वीरता की कस्में खाई जाती है, जिसकी वीरता का एग्जाम्पल दिया जाता है, उस रेंजला की लड़ाई को एक या राजपूत ने लीड किया था और लड़ने वाले सैनिक जो थे यादव थे। तो हम तो हमेशा से मिलकर लड़ने वाले लोग हैं और हमेशा से समाज को क्षति से बचाने वाले लोग रहे हैं, तभी तो हम दोनों क्षत्रियों की श्रेणी में आते हैं। तो इसकी बीच को बिना इतिहास को जाने हुए, बिना हमारे सामाजिक समरसता को जाने हुए कुछ लोग आते हैं और बिना किसी मतलब का सिर्फ माँ बहन का गाली देते हैं, और कुछ लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं और उनका एजेंडा फुलफिल हो जाता है। जिन लोगों को कल तक कुत्ता नहीं पूछता था वो लोग आज स्टार बन जाते हैं। और इससे सबसे बुरा बात यह है कि इसमें खुद को मीडिया और पत्रकार कहने वाले कुछ लोग, खासकर एक्सपोज बिहार का ये मैंने विकास को देखा, और उधर से भी लोग हैं, मैं ये किसी की समाज का नहीं, उधर से भी कोई निरंजन, वो भी शायद राजपूत ही, अगर है भी तो ये राजपूत ना, तो ये राजपूत कहलाने लायक है और ना ही यादव, क्योंकि इनका एजेंडा केवल इतना ही है कि समाज के दो लोगों को आपस में विघटित कर दीजिए और हमारा पैसा और व्यूज बटोर लीजिए। तो मैं तमाम लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये कहूंगा कि हमारा इतिहास एक है, हमारी सामाजिक समरसता एक है और हम सभी लोग एक हैं। तो इन चूतियों के चक्कर में आपसी लड़ाई से बचिए और कोशिश करिए कि इनका विरोध करिए, क्योंकि अगर इनको समर्थन करिएगा तो इस तरह के कुकुरमूर्ते और उगेंगे और समाज में आपसी जो है द्वेष बढ़ेगा और लड़ाई बढ़ता ही रहेगा। तो अभी भी वक्त है, संभलिए और इन चूतियों से कम बचिए, और खासकर इन चूतियों जो भी लोग हैं इनसे मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको समाज में कुछ बेहतर करना है तो कुछ बेहतर बनाइए, ना कि आप आके और हमारे धर्म के लोगों को और हमारी जाति के लोगों को गाली सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।